रनर फॉर टेबल टेनिस मुनैजा तहरीन बी ए सेकेंड ईयर. नेक्स्ट वी हैव मिस्टर मोहम्मद शहबाज कमन असेंबली नगर डायस. मिस्टर सैयद मजाहत मिस्टर फहाद अली फॉर द वेट ग्रुप 55 केजी जूडो बॉयज सीनियर कॉलेज. मिस्टर फहाद अली फॉर द वेट ग्रुप 73 केजी द विनर इज मिस्टर शेख वासर फ्रॉम बीएससी थर्ड ईयर. नेक्स्ट इवेंट इज जूडो गर्ल्स सीनियर कॉलेज. मिस सबा मिर्जा फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर वेट ग्रुप 55 किलोग्राम्स. मिस सबा मिर्जा Sabha couldn't be here. Her mother would be collecting the award on her behalf. Next. Winner is Miss Nabila Nisar, BCS first year. 60 kg weight, Miss Nabila Nisar, BCS first year. 65 kg, winner is Miss Mirza Nishad. Miss Mirza Nishad. Miss Sheikh Shahar, to kindly go on the dais. आपने को बोले थे ना? Next event is Athletics Senior College Boys. Athletics Senior College Boys. Now we have Umul Vara on the dais. Next event, Athletics Senior College Boys. Mr. Sheikh Mustajib is requested to come near the dais. Mr. Sheikh Mustajib. Mr. Sheikh Mustajib is the winner for 100 meter running race at Senior College. He is also the winner for 200 meters running event at Senior College. Mr. Sheikh Mustajib, BA third year. Both at 100 meters running as well as 200 meters running, he has bagged the first position. One more. मैं डॉक्टर मजर अहमद फारूकी प्रिंसिपल मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद. आज हमारे पास एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा गया था. इस एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे चेयरमैन जनाब फरज जमाल साहब तशरीफ लाए थे. इनके हाथों से हमने जो साल भर या पिछले कहिए कि दो साल से जो एक्टिविटीज ली है कॉलेज के अंदर, खास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, और जो कॉलेज के टॉपर्स है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जिन्होंने जो है तो डिस्टिंक्शन बल्कि अब वो 90% मार्क्स लिया है, ऐसे बच्चों को भी हमने जो है तो यहाँ पर उनके हाथों से जो प्राइज अवार्ड वगैरह दिया है. इस फंक्शन के लिए तमाम इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स, इंचार्ज, डायरेक्टर्स वगैरह सभी हाजिर थे, और तमाम स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी बड़ी तादाद में मौजूद था. तकरीबन दो घंटे ये तकरीब हमारी चली.
इस मौके पर हमारे मरहूम फातिमा रफीक जकरिया मैडम, इनके ऊपर एक किताब भी जो है तो बाबुल इल्म के नाम से रिलीज की गई, जो कॉलेज मैगजीन रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए ये आप बाद में मुहैया की जाएगी। बाबुल इल्म जो है तो इनके इसके अंदर मैडम के ऊपर पूरी जिंदगी के ऊपर जो है तो मुख्तलिफ जो है तो इसके अंदर आर्टिकल्स आए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अभी 3 दिन ईरान फिल्म फेस्टिवल का भी इनेकाद किया गया है। इस ईरान फिल्म फेस्टिवल का मकसद, हमने जो ईरान कल्चरल हाउस से जो एमओयू किया था आज़ाद कॉलेज ने, तो उसके तहत उनका मुख्तलिफ कल्चर और मालूम होना और जो है तो लिटरेचर कल्चर वगैरह सभी चीज़ें का पता चलना, इसलिए जो है तो ये चीज़ रखी गई थी। उसके तहत आज से 3 दिन हम फिल्म फेस्टिवल मना रहे हैं। इसके अंदर 5 फिल्में बतलाई जाएंगी और ये 5ों फिल्म का इंतखाब ये जो तो कल्चरल हाउस रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से किया गया है और उनके जो डायरेक्टर है कामरान साहब वो खुद यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। वो यहाँ पर जो तो उनके साथ 5 बजे इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी होगा और ये महज इसलिए रखा गया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड विनिंग ऐसे जो फिल्में होती है और एक महजिब जिसे कहा जाएगा कि फिल्में यहाँ पर जो तो बतलाए जाएंगे ताकि आर्ट और कल्चर बच्चों के सामने रखा जा सके। इसके अलावा हमने उनके साथ मिलकर पर्शियन लैंग्वेज सीखने का सर्टिफिकेट कोर्स भी जारी किया है जो बच्चों के लिए जो तो यहाँ पर फायदेमंद साबित होगा। ये तमाम तर चीज़ें जो तो स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया बहुत बहुत।